हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए आज संडे स्पेशल में अरवी की अचारी, अरवी की सब्जी बना रही हूँ, जो कि बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि कल सोमवार ही भी है सावन के। तो आज बिना लहसुन प्याज के अरवी की सब्जी, जो जिसे यहाँ पे गुइया भी बोला जाता है और हम लोग झारखंड में पेक्ची बोलते हैं, तो उसी के लिए मैंने अरवी को पहले छील लिया बहुत अच्छे से। उसे मोटे मोटे पीसेस में काटना है और काटने के बाद उसे अच्छे से धुल देंगे, दो तीन पानी से अच्छे से धुल देंगे। और इधर कुकर में सरसों का तेल डाली और उसके बाद उसमें मेथी और सूखी वाली लाल मिर्च दो काट के डाल दी और उसे थोड़ा सा चटकने दी। जब मेथी अच्छे से चटक जाए तो फिर ये अरबी को डाल के उसके साथ भुनना है। वैसे तो आपने अरबी बहुत तरीके से बनाई होंगी और खाई होंगी, लेकिन यकीन मानिए आज आप मेरे तरीके से बिना लहसुन प्याज के अरबी की ये सब्जी बनाइए कि सब वाहवाही करेंगे, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इतनी चटपटी और तीखी ये सब्जी बनती है गर्मा गर्म चावल के साथ, खाइए। इधर जब तक हमारी अरबी भुन रही है, तब तक मैंने यहाँ अचार का ये मसाला, ये अचार का मसाला जो मैं अभी मिर्चा के अचार और आम के अचार के लिए बनाई थी, तो उसी में से अचार का मसाला मैं ज़्यादा बना करके रख लेती हूँ कि कभी कभी सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो उसमें फिर मैं अचार का 2 चम्मच मसाला और उसके बाद हल्दी, मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब थोड़ा थोड़ा लेकर अपने सब्जी के अकॉर्डिंग कि आपकी सब्जी कितनी है, तो मैं हाफ हाफ चम्मच के करीब में ले रही हूँ क्योंकि मैं 2 आदमी के लिए बना रही थी। और फिर इसी में नमक भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब अपना नमक डाल दीजिए और नमक डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डाल करके उसे अच्छे से थोड़े से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पाउडर वाला मसाला रहता है तो थोड़ा सा पानी डाल करके उसे 5 2 मिनट के लिए भी छोड़ दीजिए तो मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है। और इधर हमारी अरबी भी बहुत अच्छी सी भुन गई है, तो अब हम फटाफट इसमें, अब बहुत जल्दी बन जाती है ये सब्जी, गर्मा गर्म पराठा या चावल के साथ, जीरा राइस के साथ खाइए तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो अब इसमें सारे मसाले को डाल करके और हमें मीडियम आँच पे ही इसे फटाफट जल्दी जल्दी भून लेना है। और देखिए भूनने के बाद क्या मस्त कलर आया है ना। तो सब्जी को अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद अब इसमें स्पेशल ट्रिक डालेंगे, वो है स्पेशल, वो मैं क्या करती हूँ, अभी आम का सीजन था ना, तो बहुत सारे आम का कुच्चा बना करके रखती हूँ और थोड़े से आम के कुच्चों को मैं सुखा करके रख देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि जब भी सरसों मसाला की सब्जी अगर बनानी है तो उसमें ये आम के कुच्चे को डाल दीजिए ना, तो सब्जी बहुत चटपटी तीखी हो जाती है, ना टमाटर की भी ना ज़रूरत नहीं होती है। तो इसे मैं डाल दी और इसमें उसके बाद आपको जितना इसकी ग्रेवी रखनी है तो वो ग्रेवी इसमें रख के, और ये उसके बाद 2 सीटी हम कुकर का लगा देंगे, मीडियम टू लो पे ही रहेगा, आँच हमारा बहुत तेज़ नहीं रहेगा, बस 2 सीटी लगा दीजिए और अरबी मस्त पक जाती है इसमें। तो देखिए जितने ग्रेवी रखना है उतना ही पानी डालिए। और अब इसको हम, चलिए सीटी लगा देते हैं, तो अब मैं इसे 2 सीटी लगाने के लिए चढ़ा देती हूँ, ढक्कन लगा देती हूँ। और यकीन मानिए आपकी सब्जी रहेगा ना, देख के ही भूख बहुत तेज़ हो जाती है। तो देखिए ये ग्रेवी भी बिना टमाटर, बिना लहसुन और बिना प्याज के, ये ग्रेवी भी इसकी कितनी अच्छी आई है ना। और 2 सीटी में अरबी भी बहुत अच्छे से पक गई है। तो लीजिए तैयार है अरबी।